नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शिवामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर जनपद के प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि भारत का गणतंत्र दिवस विविधता में एकता का उत्सव है। आज ही के दिन हमारा देश संपूर्ण गणतंत्र बना था, तभी गणतंत्र दिवस हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, यही सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने खालापार में जिया उल उलूम पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देश के तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। आज हमारा देश का महान राष्ट्रपर्व राष्ट्रगान का और सुंदर अपने भव्य तिरंगे राष्ट्र ध्वज को फहराने का जो सौभाग्य प्राप्त यहाँ खालापार में जिया उल उलूम जूनियर हाई स्कूल में हुआ है, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का गणतंत्र दिवस आज बड़े धूमधाम से सभी देश में मन रहा है। इसी कड़ी में ये बच्चों द्वारा आज सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर कि अपनी जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने देश खुशी के साथ मिलजुल कर मनाए। प्रिंसिपल साहब को और यहाँ के जितने आए गणमान्य व्यक्ति जैसे फैजूरिया मान सभी ने बच्चों का हौसला वर्धन किया और देश के प्रति प्यार और उसका सम्मान करना, यहाँ से राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और कैसे इसके साथ रहने में हम सबको एक देश को नया मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम अपने स्कूल में 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे स्कूल में बच्चों ने बहुत कल्चर प्रोग्राम और देशभक्ति प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं और इस मौके पर हमारे यहाँ जो चिल्ड्रंस डे पर गेम हुए थे उन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए। इस तरह के कार्यक्रम को उद्देश्य ये रहता है कि जो बच्चे के अंदर टैलेंट छिपा होता है वो सबके सामने आए, ताकि बच्चा एक आगे चल करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेट कर सके और एक भावी नागरिक और अच्छा देशवासी साबित हो सके।